नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आनंद आश्रम में साध्वी गुरु माँ आशुतोष्वाम्बरी ने 28 जनवरी 2024 को समाधि लेकर पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। समाधि से ठीक पहले उन्होंने अपने शिष्यों के लिए एक वीडियो बनाकर संदेश दिया था कि वह अपने गुरु ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज को उनके शरीर में वापस लाने के लिए समाधि ले रही हैं। फिलहाल आज यानी मंगलवार को पूरे 45 दिन हो गए हैं और अभी तक समाधि से आशुतोषाम्बरी नहीं उठी है। इसी बीच आश्रम में एक लंदन से आई मिस्ट्री गर्ल की एंट्री हुई। इनका नाम केप्रिया है। इन्हें हिंदी बोलनी नहीं आती है लेकिन हिंदी समझ लेती है, इसलिए जब इनसे बात की गई और पूछा गया कि वह लंदन से इतनी दूर क्यों आई हैं, तो उन्होंने बताया कि वो वहाँ बायोलॉजिस्ट थी। तमाम सरकारी और निजी संस्थानों से जुड़कर उन्होंने नौकरी की थी, लेकिन इनका पूरा परिवार कई साल पहले ही आशुतोषाम्बरी से जुड़ गया था। उनके माता पिता और भाई बहनों ने भी संन्यास ले लिया था, इसलिए जब केप्रिया को समाधि की जानकारी मिली तो सब छोड़कर इन्होंने भी संन्यास लेने का फैसला कर लिया। अब वो भगवा चोला पहनकर माँ आशुतोषाम्बरी की सेवा में लग गई हैं। केप्रिया ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि माँ आशुतोषाम्बरी जरूर लौटेंगी। केप्रिया ने कहा उन्होंने अब अपना पूरा जीवन उनकी सेवा में ही समर्पित कर दिया है। जबकि आश्रम की दूसरी शिष्या साध्वी प्रज्ञा ने बताया कि लोग इसे पाखंड बोल रहे हैं, यह पूरी तरह से गलत है। पूरे शरीर पर लेप लगा कर रखा गया है। लेप जड़ी बूटियों का है, इसलिए शरीर अभी भी उनका वैसा ही कोमल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरी उम्मीद है और प्रार्थनाएं चल रही हैं, जल्द ही वह आशुतोष महाराज को लेकर लौटेंगी। साध्वी प्रज्ञा ने बताया कि उनका शरीर डीप फ्रीजर में नहीं है। डीप फ्रीजर में रखने का शास्त्रों में कोई प्रावधान नहीं है। जब कोई गुरु समाधि लेता है तो उसके शिष्य उसके शरीर पर जड़ी बूटियों का लेप लगा कर रखते हैं। डीप फ्रीजर में रख देंगे तो उनके लौटने की उम्मीद खत्म हो जाएगी। अब इसको लेकर क्या कुछ सवाल उठ रहे हैं, इन पर भी बात करेंगे। पहला सवाल कि आश्रम में हर जगह CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं, किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने जाने पर पाबंदी है, उसके आधार कार्ड की जांच हो रही है। आशुतोषाम्बरी ने फोटो में सिंदूर लगा रखा है। लोग बोल रहे हैं कि अगर वह शादीशुदा है तो उनके बच्चे और पति कहाँ हैं। शरीर किसी को भी देखने नहीं दिया जा रहा। जब भी कोई शरीर देखने की बात कह रहा है तो आश्रम के लोग उसे रोक दे रहे हैं। आश्रम के दरवाजे पर हर वक्त ताला क्यों लगा रहता है। आखिरी सवाल कि आश्रम में कुछ खास परिवार और उनके सदस्य ही क्यों रह रहे हैं। ये कुछ सवाल हैं जो इनकी समाधि के बाद छूटे हुए हैं। अब इन सवालों के जवाब मिल पाते हैं या फिर ये समाधि के साथ ही चले गए, ये भी एक बड़ा सवाल है।